हालत थोड़ी खराब हो रखी है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया नहीं था बिकॉज मुझे लगा था ठीक हो जाएगा, बट देन दो दिन से मुझे ऐसी वीकनेस हो रही थी और मतलब फीवर सा फील हो रहा था एंड इनफैक्ट बीच में थोड़ा सा फीवर भी हुआ था, तो उसके कारण हालत थोड़ी खराब हो गई थी। घर में सबको लग रहा था कि भाई क्या हो गया, तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना घर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करा था बिकॉज जिस दिन व्लॉग शूट करा था उसके अगले दिन से तबियत मेरी थोड़ी सी खराब होने लग गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। साथ के साथ मेरी बैक पेन भी काफी शुरू हो गई है, आई डोंट नो क्या रीजन है, हो सकता है क्योंकि मैं स्टूल पे वो छोटे वाले पे चेस्ट की एक्सरसाइज करता तो उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैक पे स्ट्रेन आया होगा बिकॉज बैक को कहीं करेक्ट सपोर्ट मिल नहीं रहा था। बट देन सिंस हम थोड़ा सा घर में वर्कआउट करते हैं, हमने सोचा कुछ एक्स्ट्रा सामान मंगाया जाए क्योंकि मैं धीरे धीरे सोच रहा घर में एक जिम बनाने की। मोस्ट प्रोबब्ली इसको बालकनी में नहीं बनाऊंगा, एक पीछे एक रूम है वहां पे बनाऊंगा, तो लेट्स सी टाइम के साथ क्योंकि अभी पापा ने बोला है पहले तो यहाँ पे तो ढंग से जिम कर ले फिर पीछे जाके जिम करना फिर पीछे जाके रूम बनाया, तो उनकी भी बात सही है। ऑल इन ऑल जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों को पता चली जाएगा बिकॉज व्लॉग में सारी बातें पता चल जाती है। उससे तभी मैं जिम को लेके इतना श्योर नहीं था तो मैंने ना थोड़ा सस्ता सामान मंगाया, तो ये मुझे अप्रॉक्सिमेटली 30 kg का सेट पड़ा है 2500 रुपीज का अमेजोन की वेबसाइट से, तो आई डोंट नो क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो एक इसमें मंगाई है हमने जिगजैग रॉड, थोड़ी सी पतली है बिकॉज आई थिंक क्वालिटी के कारण, एंड देन साथ में ये एक छोटा है डंबल के लिए, तो ये दो आए हैं वेट्स डंबल में लगाने के लिए एंड इसमें मोस्ट प्रोबब्ली सारे वेट्स होंगे यार, वो 50 रुपए वाली कट वाली बात नहीं है भाई, इसको खोलने में तो आधी जान निकल गई है एंड इतनी जान हमें है नहीं। तो दूसरा ये साथ के साथ एक और माई प्रोटीन का भी बॉक्स आया, ये देख लेते हैं इसमें क्या है। माय प्रोटीन ने भिजवाया है अगेन, फिर से आई थिंक मैंगो फ्लेवर आया बिकॉज मेरा पिछला वाला खत्म होने वाला है, एंड साथ के साथ एक शेकर एंड देन यू हैव माय फेवरेट जो पिछली बार भी आई थी बेक चॉकलेट ब्राउनी, तो ये तो मैं अभी खत्म कर दूंगा क्योंकि आज थोड़ा खाने को ओवरलोड होने वाला है क्योंकि इसके बाद भी कोई स्पेशल डिलीवरी आने वाली है, तो ये कुछ ऐसे काम चलाओ वेट्स लगे हुए हैं तो आई थिंक ये ठीक रहेगा थोड़ा बहुत घर में एक्सरसाइज करेंगे। क्या हो रहा है अभी? घर में वर्कआउट, सिक्स पैक बनाएंगे। तू रहने दे, वो बेल्ट का है तेरी पीठ वाली वो पड़ी है। पापा ना मेरा मजाक, जब भी मैं एक्सरसाइज करके आता हूँ ना कहते तू ढंग से करेगा नहीं तो दो दिन बैठ जाता है, तेरी रिकवरी नहीं खत्म होती। और क्या, और क्या जो भी है कनु साहब आपको भी वर्कआउट शुरू कर दो, लेट मी ट्राई, रन दो आप, मेरी उम्र में पीठ ठीक भी हो जाएगी तो हल्का। पापा हाँ 2.5 किलो है तो हल्का ही होगा। एक दिन मेरे साथ वर्कआउट आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है? नहीं, मैं तेरे को देखता हूँ तो बड़ा स्ट्रेनस वर्कआउट करता है लेकिन अपने कौन कौन चाहता है मैं कर्नल साहब के साथ एक वर्कआउट वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो। ऊपर आ जाओ, इसके साइड में स्क्रूज नहीं लगते तो भाई इसकी फिटिंग वगैरह देखते हैं। 2500 के हिसाब से क्वालिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ा वर्कआउट करने से मतलब अब जैसे मर्जी कर लेंगे। तो ये अपने घर पे मिनी जिम पूरा सेटअप हो चुका है, अपने पास थोड़े से डंबल्स पड़े हैं, मतलब मेरे पास 16 किलो का मैक्स डंबल पड़ा हुआ है, 10 किलो से स्टार्ट है एंड देन अपने पास प्लेट्स पड़ी हुई है 2 किलो से स्टार्टिंग। एंड एक चीज जो मुझे अच्छी लगी है वो है ये चीज, अब मुझे डंबल रोइंग अगर 30 kg की करनी होगी मैं 30 kg का ऑलमोस्ट इसमें वेट लगा पाऊंगा और डंबल रोइंग एक हाथ से कर पाऊंगा, तो दैट इज वन गुड थिंग। एक ड्रॉबैक ये है कि वेट्स के हिसाब से ना प्लेट्स बहुत ज्यादा है, मतलब 3 किलो की बहुत सारी प्लेट्स है, 2.5 किलो की बहुत सारी प्लेट्स है 30 किलो कंप्लीट करने के लिए, अगर 5-5 किलो की प्लेट होती ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता एंड बस अब एक बेंच ऑर्डर करना है ताकि थोड़ी बहुत हम घर में एक्सरसाइज कर सके एंड अगर इन सब से भी काम नहीं हुआ और बॉडी नहीं बनी तो पीछे रूम जिम में सेटअप करेंगे एंड वो आई थिंक थोड़ा मजेदार होगा। तो टाइम आने पे बिकॉज मुझे नहीं लग रहा एनी टाइम सून जिम खुलने वाला है, अगर जिम खुलेंगे मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला बिकॉज ऑफ नानी बीइंग इन द हाउस एंड कर्नल साहब भी थोड़े एजेड हो गए तो कर्नल साहब के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना। क्या 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 बोला? ओवर एक्टिंग देख ले। ओवर एक्टिंग नहीं, यू सेड एजेड, बोल्ड, बुड्ढे हो गए हो। नई नई टी शर्ट पहनने से जवानी नहीं आती, ठीक है? हाँ मैं इसलिए तो दिखा रहा था, मैंने कहा नई टी शर्ट। तो जो भी है अभी हम लोग लंच करेंगे बिकॉज लंच एक स्पेशल जगह से आना तो उसका इंतजार हो रहा है, देन आपको भी दिखाते हैं बिकॉज आज बहुत बड़ी दावत होगी एंड एनाकोंडा खुश होगी, बट देन प्रॉब्लम ये है कि एनाकोंडा उठती है बहुत लेट तो एंड हम 2 बजे लंच कर लेते तो मैडम का 3 बजे सुबह होता है तो तब तक लंच खत्म हो चुका होगा, बचा कुछ अभी वो कुछ नहीं छोड़ेगी अगर बचा भी। तो आज का दिन एनाकोंडा का मोस्ट फेवरेट दिन होना चाहिए बट देन मैडम को मैंने बोला उठ जा, मैडम नहीं उठी, तो देन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एंड गाइस एक चीज पहले ही बोलना चाहूंगा ये कोई वेस्टेज नहीं होने वाली, मेरी गारंटी है सारा खाना खत्म हो जाएगा क्योंकि ना कर्नल साहब की डाइट बहुत अच्छी है, हमारी डाइट तो अच्छी है। हमारे घर में सबसे ज्यादा कौन खाता है? कौन खाता है पापा? हाँ। वो तो पेट से पता चलता है, जिसका सबसे बड़ा पेट उसका वो सबसे ज्यादा। नहीं नहीं हम खाने पे ध्यान देते हैं। तो मैंने कहा कि तीसरा भी लो। नहीं 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 बस बस फिर 2 घंटे बाद सोते। मैं 2 घंटे 1 घंटे बाद फिर तो तीसरा बना हुआ। हाँ।
तो पापा ऐसे ही करते हैं, दो पराठे खा के उसके बाद अपना सो के उठ जाएंगे, एक घंटे फिर गए, वो तीसरा पराठा बनाया था। तो जो भी है वो मेन चीज नहीं है, मेन चीज ये खाना है जो आ जाए। तो भाई यहाँ पे है मटन बिरयानी दो पोर्शन, देन वेजिटेरियन नानी और मम्मी के लिए पनीर हरा प्याज, दही मेथी के कबाब और भी बहुत सारी चीजें, वेज फ्राइड राइस, चिकन वगैरह। आज ईदी मनेगी पूरी, लॉकडाउन के बाद पहली बार। हाँ, और मैंने शायद बीच में एक बार बाहर से खाया था, बट मम्मी ने चार या पांच महीने में। अच्छा, बेस्ट पता क्या था? सेकंड मार्च बेस्ट क्या था? अभी मैंने नानी को बोला, मैंने आई टोल्ड मॉम, मैंने कहा कि नानी को ना बाहर से मत खिलाओ, नानी जो है मतलब मम्मी को जो घर में बना रहे वही कुक करो। तो नानी बोलते क्यों क्यों मैं नहीं खा सकती, मैं बड़े दिनों तो बाहर का नहीं खाता, थोड़ा थोड़ा खा। जो तभी है इसको पूरा रीहीट करेंगे एक बार अपनी तसल्ली के लिए, देन वी विल हैव। तो सबसे पहले नानी से पूछना चाहिए, नानी कितना लग गया खाना? खाना बहुत अच्छा, वधिया सीगा, बहुत वधिया। नानी वो जो मोमोज थे ना उसमें नानी कहती है पतला जे की है, टिश्यू पेपर पतला से पतला है। तो उसमें सब्जियां भी बड़ी हुई, वधिया सीगा, मजा आ गया। पंजाब का खाना वधिया, दिल्ली का खाना पंजाब नानी नानी सानू पता उठे थोड़ा है, लसन लसन बनांदे करदे। हां तो नानी ने ड्राई वो भी खाया था, क्या कहते हैं गार्लिक। करण साहब से पहले हम मम्मी से पूछना चाहेंगे, हां जी कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। मम्मी बोलना चाह रही है घर का खाना बेस्ट है, बाहर का खाना मुझे वैसे ही नहीं समझ आता। मम्मी इकलौती घर के हमारे बंदे जिनको बाहर का खाना बिल्कुल ही पसंद आता, नानी को ही पसंद आता है, मुझे पसंद आता है, प्रिया का तो आता ही है, कर्नल साहब को सबसे ज्यादा आता है। पेट अंदर खींचने से पेट आर्मी में ये सिखाया जाता है। पूछा चोरी चोरी क्या कर रहे थे, स्टील के अच्छा, ग्लास में क्या डाल रहे थे, चोरी चोरी कोक। तो मैं घर में ना अलाउ नहीं करता किसी को कोक पीने और ये सब एडिटेड ड्रिंक्स, और किचन अच्छा। में पापा रूम में नहीं आए, मैंने किचन में ग्लास में कोक डाली पी के वापस आ गए। नहीं नहीं पता क्या अब मैंने कांच का ग्लास यूज करना ही बंद कर दिया है। तो पहले पापा कांच के ग्लास में डालते थे ताकि पता चलता था पापा इसमें है, वो भी शायद पड़ी होगी। अरे क्या उम्र आ रही है, बच्चों से डर डर के फादर्स को कोक पीनी पड़ रही है। कोई ना पापा कोई ना, यू कैन हैव अ कोक का ड्रिंक विद मी समडे। पता है क्या होता है, पता है बच्चे सही बात कह रहे हैं बट यू नो आपकी जुबान मचलती है, आपका मन करता है, बहुत मछले हुए हैं। वैसे एक बात है, नानी को भी कोक बहुत पसंद है, नानी को पिलाई है नानी को शुगर है। वेरी बैड वेरी बैड, ये काम आपने गलत किया है। नहीं नहीं हम नानी को पिलाएंगे फिर, वैसे किसी को नहीं चीनी पीनी चाहिए मेरे हिसाब से। डाइट कोक कभी कभी पी सकते हो क्योंकि मैं खुद कभी 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 अच्छा मेरे पे नहीं आ रही चाहिए। डाइट कोक मैं कभी कभी पी लेता हूँ बिकॉज शुगर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, इसमें शुगर कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा होता है, बट उसमें और भी एडिटिव्स होते हैं। ये एक चीज मैं कभी बताई नहीं आप लोगों को, ये आप क्या कर रहे हो? तुम लोग कैसे आ गए हैं? तो अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा सैगल खानदान में। अरे टेस्ट तो करने दोगे? कोई टेस्ट नहीं। तो जिन लोगों को नहीं पता, कर्नल साहब को मतलब हमारे घर में सैगल परिवार में मिठाई का बहुत शौक है। इनफैक्ट ऐसा है कि चाचू पापा और इनफैक्ट पापा और चाचू में बहुत ज्यादा है कि अगर घर में 1 किलो की मिठाई आई होगी किसी दिन वो उसी दिन खत्म हो जाएगी, बहुत कम चांसेस होंगे कि अगले दिन तक बचेगी भी किसी। तेरे को मजेदार बात होता हूँ, खाली पापा चाचू भी नहीं, दादाजी अगर एक दिन में नहीं बनता था ना मीठा तो बोलते थे कि हमारे घर में कभी मीठा ही नहीं बना, मतलब उनके रोज उस टाइम बनता है। अभी मेरा ये है कि मुझे भी बहुत पसंद है बट सिंस मुझे थोड़ी सी डाइट करनी पड़ती है, सिंस आई गॉट टू लुक पतला, नहीं तो मेरा बस चलता, मैं भी खत्म कर चुका था किलो की किलो मिठाई। छोड़ दो यार पापा, मम्मी ने मना करा यार, एक चम्मच तो खाना है, ये क्या मम्मी ने मना किया? तो एक मुझे भी खिला दो फिर। तुमने खाना है? एक चम्मच। तो गुस्सा हो। तो भाई अभी बज रहा है शाम के 5, मतलब मैं 2-2:30 अपना लंच करके सो गया था, इतनी अच्छी नींद आई अब बता नहीं सकता, इतना टाइम बाद लग रहा था जैसे मतलब सब नॉर्मल हो गए, बस बाहर से रेस्टोरेंट से खाना आके घर आए, बैठ के पेट पूजा कर लिया और अब बस सारा खत्म हो गया। बट देन वी आर बैक टू रियलिटी एंड रियलिटी उनमें से एक एक कारण साइकिल का वेट बढ़ रहा है। आप में से काफी लोगों में डीएम भी पड़ा था कि भाई क्या चल रहा है आपका? तो भाई सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि अभी हम करेंगे तड़कता भड़कता वर्कआउट, देन उसके बाद आपसे मिलेंगे, क्योंकि आज अपने पास नया इक्विपमेंट आया। तो जब भी नया इक्विपमेंट आता है सबको एक्साइटमेंट होती है, कुछ भी घर में नई चीज आती है ना उसको इस्तेमाल करने की एक्साइटमेंट होती है, मुझे भी थोड़ी एक्साइटमेंट हो रखी है। बट देन इन सब चीजों से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चाय, बिकॉज भाई देखो चाय के बिना अपनी गाड़ी चलेगी नहीं। तो अभी चाय पियेंगे, उसके बाद 1 घंटे बाद पियेंगे कॉफी, एंड कॉफी का जो वर्कआउट होता है ना मजेदार वर्कआउट होता है। दो प्री वर्कआउट मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगता है क्योंकि मुझे डिपेंडेंसी थोड़ी प्री वर्कआउट पे कम करनी पड़ रही, बिकॉज एक बार जब आदत डल जाती है तो जब सुबह उठते भी हो ना तब भी मन करता है कि प्री वर्कआउट पी लो, एंड उसके बिना एनर्जी नहीं आती। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा डिपेंडेंसी कम करना चाहिए, तो इसलिए मैं कॉफी पे शिफ्ट कर गया हूँ। तो ऑल इन ऑल जो
भी जा रहा है अच्छा जा रहा है। आई होप आपके लिए भी सब अच्छा जा रहा होगा। जो भी मैंने बताया, अगर कोई टिकटॉकर्स थे जिनकी अच्छी रीच थी और जो टैलेंटेड थे, वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट इन व्हाटएवर वे पॉसिबल। तो अभी मैं व्लॉग एडिट कर रहा था और कल का खाना देख के भाई मुझे ऐसा लग रहा था, करण सहगल तुझे डाइट करने की सख्त जरूरत है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब ना थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज सच्ची बता रहा हूँ अब वो लिमिट क्रॉस हो गई है। मतलब एक टाइम आता ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगता है कि भाई अब बस बहुत हो गया, बहुत खा लिया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, और मुझे हमेशा यही होता है मेरे साथ कि अगर मैं बाहर का खाना नहीं भी खा रहा होता और घर में मैं खाना खा रहा होता हूँ और एक्सरसाइज नहीं करता, मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ना शुरू होता है। और वही सेम चीज हो रही है, शुरू में नहीं हो रहा था जब लॉकडाउन नया नया शुरू हुआ था, एंड तब एक महीना एकदम सही गया था, बट देन अभी लास्ट वन मंथ हैज बीन वेरी बैड, एंड उसके कारण कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा मूड खराब चल रहा है। बट देन उसके बारे में बात नहीं करता ज्यादा, बिकॉज यार आप लोग व्लॉग इसलिए देखने आते हैं ताकि मैं एक आपके फेस पे स्माइल ला सकूं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट देन इसका ये मतलब नहीं है मेंटली बंदा गो थ्रू नहीं कर रहा था, मेंटली बहुत सारी चीजें चल रही होती है, वर्क का होता है, फाइनेंसिस का होता है, और भी चीजें होती है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फिर अपना एक हेल्थ का होता है, तो ओवरऑल ना सब डामाडोल चल रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने फिगर आउट करा भी, बट देन अपनी केएसआर भी अपना फुल सपोर्ट करती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग इज लाइव। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, पिछला व्लॉग एंड नहीं करा था तो ये इंटू टू कर लो।